वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। अभी हम ये महाराज के आश्रम में साधु सेवा चल रही है और साधन पा रहे हैं सभी दोपहर का। उसके बाद हम एक खेत में आए थे जहाँ पे कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स हमने लिए एंड ब्रज की रज में काफ़ी ज़्यादा हमने एंजॉय किया और बहुत ही अच्छा पावन अवसर था। आप देख सकते हो मेरे हाथ में भी कुछ फ्लावर्स हैं, पम्पकिन फ्लावर्स। तो हमने काफ़ी मस्ती करी वहाँ पे और इसके बाद हम बाबा जी के आश्रम जाएंगे। बाबा जी के आश्रम में अभी सभी परिक्रमा के लिए खड़े हैं श्रद्धालु। गंगा देवी की जय। तो ये सारे श्रद्धालु अभी परिक्रमा के लिए निकलेंगे। बाबा महाराज जी के आते ही सारे परिक्रमा की ओर जाएंगे और परिक्रमा मार्ग में मेरे साथ आप बने रहना। मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, कुछ मोमेंट्स जो कि बहुत ही अच्छे गए। बाबा महाराज जी किस तरीके से ब्रज के लाला लालियों को टॉफी देते हुए और उनको लाड करते हुए परिक्रमा मार्ग की ओर जा रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। आप पूरे वीडियो तक कोशिश करेंगे दर्शन कराने के बाद। हालांकि बहुत ज़्यादा रश था तो उसके बाद सबने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो इस वजह से थोड़ा दूर से मैं आपको दर्शन करवाना चाहूँगा। बाकी बाबा महाराज के साथ साथ कीर्तन मंडली भी थी जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा। कीर्तन मंडली कितने अच्छे से कीर्तन कर रही है। सो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा लग रहा था वो परिक्रमा में आज बाबा के। बताओ परिक्रमा में कैसा लग रहा है बाबा के? बहुत बढ़िया राधे। बावन दर्शन। अभी ये हम गेवरबंद से जा रहे हैं। गेवरबंद में राधा रानी के जाने का ना, ये जो आप देख रहे हैं इतनी सारी दुकानों में से चूड़ियाँ प्रसाद ये सारा लेके राधा रानी मंदिर में जाता है। और आप जब भी आए बरसाना यहाँ पे आप प्रसाद चुनी ये सारा लेकर आप राधा रानी को चढ़ा सकते हो बहुत ईजीली। और जिनको मेहंदी लगवानी है वो मेहंदी लगा सकती हैं। ये सारे बैठती हैं मैया लोग, ये लोग मेहंदी लगाते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप लोग मेरे साथ बने रहे और ये जो माला आप देख रहे हैं सीधा सीधा ये माला है। जितने भी राधा रानी के भक्त हैं वो ले सकते हैं। और यहाँ आप नज़ारा देख सकते हो, शाम हो चुकी है और ये पहाड़ के ऊपर का नज़ारा है राधा रानी मंदिर के ऊपर का। अब वो मंदिर की ओर जाएंगे राधा रानी मंदिर के पावन दर्शन में। आप लोग रेडी रहिएगा। तो जा रही हूँ क्योंकि अब हमारे जो गुरु भाई हैं वहाँ पे कीर्तन होने वाला है। तो बाबा महाराज जी वहाँ पे कीर्तन करेंगे। तो
आप देख सकते हो जंगल के पीछे का रास्ता है जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो रात को उतना तो क्लियर नज़र नहीं आ रहा, पर मैंने पूरी कोशिश करी है कि थोड़ा आपको मैं दिखा दूँ। आप देख सकते हो उनके बीच में से ये सीढ़ियाँ गई हैं, तो ये श्रद्धालु दर्शन करके अब जा रहे हैं अपने आश्रम में। लोग अब हम आ चुके हैं।